ये बात आज का मेरा टॉपिक रहेगा, मेरा फर्स्ट वीडियो है आई थिंक स्टाइल है बाबू भैया राजू का स्टाइल। फर्स्ट वीडियो है, सेकंड थर्ड अब कुछ भी वीडियो है, लेकिन हमारे इस प्यारे सिटी में आ रहे हैं हमारे सीएम जी, जो इस सिटी में पधारेंगे और यहाँ पर थोड़ा भाषण देंगे। तो अगर आप मेरे चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूल। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, गाड़ी रखवाई जा रही है, जरा दिखाई कैमरा मैन, गाड़ी यहाँ रखवाई जा रही है। और मैं आपको इस वीडियो में अपने जो सीएम है उससे मिलवाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो अभी मैं आगे और देखता हूँ यहाँ पर क्या फैसिलिटीज है, यहाँ पर बहुत बंदोबस्त की जा रही है इस वीडियो में, आपको दिखाऊंगा। चलिए आगे चलते हैं, देख सकते अंदर यहाँ पर गाड़ी देखिए जा रहा है। देखिए यार हम लोग यहाँ पर झंडा मैदान पहुँच चुके हैं गाइस। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखिए सेक्रेटरी पूरा चल रही है और ये मेरे पीछे का नजारा है गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर शेर आ रहे हैं और यहाँ पर बंदोबस्त पूरे किए जा रही है, यूजर गिरा जा रहा है। तो मैं जाऊँगा, देखिए मंच आपको यहाँ से मंच दिखता होगा इस। हेलो सजन बोल रहा है, हम आदिल बोल रहे हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं मंच सामने, आप लोग देखिए मंच है और यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, यहाँ बजे रहिए पूरे। Thank you.
और यहाँ पर कुर्सी भी लगाई गई है जैसा हम लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। आज देखिए यहाँ चार तरफ कुर्सी लगाई गई है, देखिए चारों तरफ कुर्सी लगी हुई है। चलिए हम लोग उधर जाने की कोशिश करते हैं। हमारा मंच देख सकते हैं सामने, हमारा स्टेट, वहाँ पर मेरे सीएम, हमारे सीएम यहाँ पर बता रहे। और जो हमारे, और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी। वो मंच वहाँ पर बना रहेंगे, तो हम लोग चाहे थोड़ा बैठ लेते 2 मिनट, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। आइए देखते हैं। काफी तादादों में यहाँ पर कुर्सी के इंतजाम की गई है। हमारे भाई मेरे कैमरामैन अभी है, काफी तादादों में कुर्सी के इंतजाम किए गए हैं पब्लिक के लिए जो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर बैठेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं चार तरफ से, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। अरे चलना आगे। जो मामले रघुवर दास के कार्यकाल में, जो घोटाले रघुवर दास के कार्यकाल में घटित हुए, उन्हें भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बदनाम और साजिश के तहत प्रदान करने के लिए उनके कार्यकाल के ऊपर थोपा गया। आज साथी केंद्र की सरकार के इशारों पर राज्य के प्रधान, जो संवैधानिक होते राज्यपाल, जिन्हें राजनीति से परे रहना है, वे भी इससे अछूते नहीं है। इस राज्य में अनंगित करते थे साथ ही न्यायपालिका का भी, जो अभी पिछले दिनों जो निर्णय होता गया हो, रामगढ़ की पिलाई का ममता सभी का मामला हो, जिस केस में उसे 5 वर्षों की सजा, केंद्र के इशारे पर इस राज्य की अर्जुन धन संपदा और खनिज संपदा पर उनकी जो निगाह है, उसके लूटने में हेमंत सोरेन जी भाजपा बन रहे हैं, इसलिए षड्यंत्र किया जा रहा है। पिछले दिनों अमित शाह जी चाईबासा आए थे, देश के गृह मंत्री है, उन्होंने एक अपने वक्तव्य में बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे एहसान किया है, एक गरीब महिला, आदिवासी महिला को महामहिम राष्ट्रपति के पद पर भेजा है। उन्होंने यह करने का विरोध नहीं किया कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया एक आदिवासी समाज से आती है, वो शिक्षित और योग्य महिला है और सम्मान देने का काम किया, लेकिन उन्होंने एहसान जताने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की नजरों में इस राज्य की तमाम ऐसी समाज के लोग कभी पिछले गुजरे समाज शोषित हुई लोगों को उनको शोषित करने का और टॉर्चर करने का काम करते काम किया। साधु आपको यह समझना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने राज्य की जनता से जिन वादों को आपसे पूरा करने के लिए भरोसा दिलाया था, उसे हमने जमा पहचानने का काम किया है। वो चाहे पहला शिक्षक का मामला हो, चाहे पेंशन का मामला हो, सेकेंड पेंशन का, भवन में
हनुमान जी हरण जिसको आप लोग बोलते हैं, वहाँ के प्रधान जो गांव के होते हैं उनके साथ अभी अपना संवाद कर रहे हैं। अब कुछ मिनट में हम लोगों के बीच आएंगे। अब हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे गिरिडीह जिला के सम्मानित माननीय सदर विधायक और इस क्षेत्र के जन जन के नेता सुदीप कुमार सोनू दा को हम आमंत्रित करते हैं। वो आवे और अपना बहुमूल्य विचार रखें। सुदीप कुमार सोनू दा, धन्यवाद। साथी महालाल सोरेन जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, हमारे साथी अध्यक्ष जी मंच पर उपस्थित, झारखंड सरकार के मंत्री आदरणीय भोक्ता जी हमारे साथ मंच पर बैठे, गांडे के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद साहब हमारे साथ मंच पर बैठे, निजाम भाई जयप्रकाश वर्मा जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम साथी कार्यकर्ताएं, और आज एक ऐतिहासिक झंडा मैदान में गिरिडीह के दूर दराज से चलकर अपने लोकप्रिय नेता हेमंत सोरेन को सुनने के लिए आए हुए हमारी तमाम माताएं बहनें और भाइयों, मैं आप तमाम लोगों का क्रांतिकारी जोहार करता हूं। साथियों, यह खतियानी जोहार यात्रा जिसका संदेश लेकर माननीय मुख्यमंत्री आपके बीच आए हैं, निश्चित रूप से इस बात को बताती है कि अलग राज्य के गठन के बाद 20 वर्षों तक बनने वाली सरकारों ने झारखंडियों के सम्मान के बारे में कभी नहीं सोचा। आपकी यह सरकार थी, आपका यह नेता था, आपके चुने हुए 30 विधायक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे और हमारे गठबंधन के विधायकों ने मिलकर सबसे पहले सरना धर्म कोड लागू कराया। सरना धर्म कोड राज्य के विधानसभा से बहुमत से पारित होकर गया। उसके बाद 1932 का खतियान जिसका नारा इसी मैदान से हम लोग दिया करते थे कि झारखंडियों की एक ही पहचान जिसके पास 1932 का खतियान, यह लागू हुआ। आपको याद होगा आपकी सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण को लागू कराया। ये तमाम मसले राज्य विधानसभा ने बहुमत से पारित करके भेजे हैं और हमें उम्मीद है कि झारखंड की जनता की आकांक्षाओं के दबाव में भारत सरकार या केंद्र सरकार को भी हमारी जायज मांगों को मानना पड़ेगा। साथियों, आज हेमंत बाबू की सरकार ने पिछली सरकार जैसा हाथी उड़ाने का काम नहीं किया। हमारी सरकार ने झारखंड के गरीबों के आंसू को पोंछने का काम किया। पहले के समय में हमारे वृद्ध लोग 60 वर्ष की आयु पार करने के बाद भी लक्ष्य के अभाव में पेंशन के लिए भटकते थे। आज यह परिस्थितियां बनी कि हेमंत बाबू ने सर्जन पेंशन लागू करके उन लोगों के भविष्य की चिंता को समाप्त किया। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आ चुके हैं, मैं अपने साथियों से आग्रह करूंगा कि गगन भेदी नारे के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करें। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, वीर सिंह जिंदाबाद, 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 वीर सिंह जिंदाबाद, 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद, 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
सरकार की बेहतर प्रबंधन की वजह से हम लोग रात भर सोते नहीं थे। कब कहां से कौन सी घटना आ जाए, कौन सा ट्रेन 2 बजे रात में किधर से घुस जाए, कौन सा हवाई जहाज क्या उतर जाए, मजदूरों को कहां भेजना है, किस गांव में भेजना है, क्या देके भेजना है, इसी की तैयारी है। 2 साल कोई कोरोना में हम लोग उठा पटक करते रहे और जब 1 साल अब जब हम लगे काम करने में, जो 2 साल में घर बैठे बैठे इस राज्य के जो जनभावना है, इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों की जो सोच है और 3.25 करोड़ लोगों को अपने दिमाग में रखकर जो हम लोगों ने कार्य योजना बनाया उसको लागू करना प्रारंभ कर दिया। आज इस राज्य का ग्रामीण किसान मजदूर के अलावा आज हमारे सरकारी मेट्रो में काम करने वाले कर्मचारी सभी को सोचकर हम हर निर्णय को आगे लेके चल रहे हैं। विगत 20 वर्षों में कितने लोग धरना प्रदर्शन करते थे, ठीक कोई ऐसा दिन नहीं होता था जब लोग सड़क पर महिला हो पुरुष हो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पोषण सखी जन सहिया पारा टीचर पुलिस कर्मी सभी लोगों का वही हाल है। और 20 साल तक सरकार गांव को हक अधिकार दिया बल्कि पुलिस का लाठी डंडा उन लोगों को खाने को मिला। जो पारा शिक्षक 12 महीना में 11 महीना सड़क चलाता था वही पारा शिक्षक आज 12 महीना में 11 महीना स्कूल में रहता। नाश्ता करना पहले लोग मंत्री विधायक मुख्यमंत्री का घेराव करते थे अपना हक अधिकार के लिए। आज के दिन में मंत्री विधायकों का घेराव होता है रंग गुलाल अबीर और मिठाई खिलाने। यही फर्क है उस सरकार और इस सरकार। कहीं आप लोगों ने ऐसी स्थिति नहीं देखी। इस छोटे से कार्यकाल जब ये बदलाव होता दिखा तो षड्यंत्र रचना प्रारंभ हो गया हमारे विरोध। चले चले आज पूरे देश में गैर भाजपा शासित जहां भी इनके विरोधी है सबके ऊपर ये लोग झूठे मुकदमे करके लोगों को परेशान और तबाह किए हुए। लोअर कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट घर में ताला तो लगा करके रहना पड़ा, साथ में हाट बाजार गाड़ी मोटर दुकान सारा बंद, फैक्ट्री बंद कारखाना बंद मजदूरी बंद और ऐसा स्थिति में झारखंड जैसे राज्य जहां सबसे अधिक मेहनत करने वाले मेहनत कश लोग मजदूर किसान लोग रहते हैं उनके लिए तो जीवन मरण जैसा स्थिति है। हमको समझ में नहीं आ रहा था साल सरकार का हो गया और 3 साल में हम लोग कितना चुनौती देखे हैं। वो चुनौती विगत 20 वर्ष में कभी भी किसी सरकार ने नहीं देखी। कोरोना जैसे महामारी सुखाड़ जैसी स्थिति और वो 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं महीनों साल तक ये चुनौती होते रहा। सरकार बनने के बाद हम लोग ठीक से कुर्सी संभाले भी नहीं कि कोरोना का ऐसा मार पड़ा
मानव दुनिया रुक सके।